उसका लिबास पहनना भी इबादत है, उसके बर्तन इस्तेमाल करना भी इबादत है। चुनांचे जिस तरह हदीस पाक में इरशाद हुआ है कि रोजेदार जब सोया रहता है तब भी इबादत में है और जब बेदार। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज है भाई रमज़ान का तीसरा जुमा और मेरी तरफ से आप सबको जुमा मुबारक। तो गाइस अभी जाना है नमाज़ पढ़ने के लिए भी, तो मौसम भी कुछ ख़राब है, तो बारिश का मौसम है आज। तो यहाँ का आप मौसम चेक करो भाई, कितना अच्छा मौसम है भाई। हमारे है तो बारिश है मगर भाई अच्छा मौसम है आज का। तो अभी जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए भी। तो बर्तन दुआ दो होते हैं, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नती बर्तन अता फरमा।
और जब तहारत हासिल करने लगता है पानी ले करके, तो उस वक्त पानी भी उसके लिए दुआ करता है, अल्लाह ताला इसको गुनाहों से साफ और पाक कर दे। और जब बंदा तहारत हासिल करने के बाद नमाज के लिए खुदा की बारगाह में हाजिर हो जाता है, तो बैतुल्लाह शरीफ खानाए काबा उसके लिए दुआ करता है, अल्लाह ताला इसके कब्र को रोशन और मुनव्वर फरमा। और जब इंसान नमाज से फारिग होने के बाद अपने बाल बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाने के सिलसिले में मेहनत मजदूरी करने के लिए निकलता है, तो वो भी जब तक कारोबार में लगा हुआ होता है वो इबादत में शामिल है कि रिज़्क़े हलाल की तलाश और उसकी कमाई करना सब इबादतों की जड़ है, यानी ये जमीन है। और जमीन जब अच्छी होगी, ज़रख़ेज़ होगी, तो उस पर जो भी फसल लगा दी जाएगी वो फसल इंशाल्लाह उसे बेहतरीन समरा देगी। गाइज नमाज़ पढ़ के जल्दी वापस आ गए थे, अभी हो रहा है अफ्तारी का टाइम, तो जा रहे हैं अफ्तारी करने। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, दुआ में याद रखना। अभी के लिए खुदा हाफिज़।